बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। सेमीकंडक्टर संकट के असर को कार कंपनियों और खरीदारों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कार कंपनियों के पास कारों के बेहद खास इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे सेमीकंडक्टर चिप की भारी किल्लत है। इसके असर से वो पूरी क्षमता के साथ कारों का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे देश में 7 लाख से ज्यादा कार खरीदार अपनी कार के घर आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना के बाद हुई तेज आर्थिक रिकवरी का फायदा भी कार कंपनियों को नहीं मिल पा रहा है। नए मॉडल्स की लॉन्चिंग के बावजूद कार कंपनियां समय पर ग्राहकों को कारों की डिलीवरी नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में अपनी पसंदीदा कार का इंतजार ही अकेली मुश्किल नहीं है, डिलीवरी में देरी की वजह से कार खरीदने के लिए ज्यादा दाम चुकाना भी ग्राहकों की मजबूरी बन गई है। कार कंपनियों के इनपुट लागत बढ़ने से इस साल की शुरुआत से कारों की कीमतों में औसतन करीब 6% का इजाफा हुआ है। इन हालातों में कुछ कारों का वेटिंग पीरियड तो 1 साल लंबा हो गया है। इस लिस्ट में शामिल कारों के नाम हैं महिंद्रा XUV 700, मारुति के CNG वेरिएंट्स, हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, MG एस्टर, टाटा पंच, मर्सिडीज GLS और ऑडी इट्रॉन इलेक्ट्रिक। वहीं महीनों की वेटिंग वाली कारों की लिस्ट तो बेहद लंबी है। इस बढ़ते वेटिंग पीरियड के असर से कार कंपनियों पर बुकिंग का जबरदस्त बोझ है। ऐसे में मारुति को 2.5 लाख से ज्यादा कारों की डिलीवरी करनी है, जबकि हुंडई, टाटा मोटर्स और महिंद्रा को 1 लाख से ज्यादा, किया मोटर्स को 75,000 से ज्यादा, MG मोटर्स को 46,000 से ज्यादा, फॉक्स वैगन, स्कोडा, टोयोटा, निसान, रेनो और ओडी सभी को मिलाकर 75,000 से ज्यादा और मर्सिडीज इंडिया को 2,800 से ज्यादा कारों की डिलीवरी करनी है। आने वाले दिनों में ये लिस्ट और भी बढ़ सकती है, क्योंकि 2022 की पहली 6 माह तक हालात सामान्य होने का अनुमान नहीं है। इनमें भी इलेक्ट्रिक कारों के लिए वेटिंग पीरियड सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनमें कई चिप की जरूरत होती है। ऐसे में कंपनियां उत्पादन बढ़ाने और चिप की सप्लाई बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।